अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले भी एमसीक्यूज कवर किए थे पहली वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज थे, क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन करना इन टर्म्स को आपने, या साथ में पेज नंबर भी लिखा हुआ है। इससे पहले वीडियोज में पढ़ाया गया है कि इन डेफिनेशन को कवर हुआ है, उनके सिंटैक्स वगैरह को भी और एग्जाम्पल्स को भी हमने देखा था, तो आपको समझाया भी था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी आप इनका पेज नंबर देखें, उसको आप समझें भी और मेमोराइज भी करें ताकि एग्जाम में लिख भी सकें, और इनको समझना लाजमी है। तो इन डेफिनेशंस को आपने मेमोराइज करना है, लेकिन समझ के करना है, ठीक है। और आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। देखें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, गिव एन एग्जांपल। इससे पहले हम आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप वही आंसर इसका लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही आंसर लिखें। आप जो पहले पढ़ा हुआ चैप्टर में आप वही आंसर लिख सकते हैं, और अगर ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आपने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है, आपको समझ भी है, आपकी वर्डिंग भी आपके माइंड में है, तो आप कोशिश करें कि उसी को यूज करें जो पहले हमने आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और एग्जांपल लास्ट में दे दी है आपने साथ में। इंग्लिश सब पार्ट्स ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, आप वही कर सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आप कोशिश करें इधर से ही करें। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इज इट नेसेसरी टू यूज द कंपेटिबल डेटा टाइप्स इन द फंक्शन डेफिनेशन एंड द फंक्शन कॉल, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। कि यस इट इज नेसेसरी, कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो और फंक्शन डेफिनेशन में कोशिश करें सेम डेटा टाइप्स को आप यूज करें, ठीक है, ये जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो रॉन्ग आउटपुट जनरेट हो सकते हैं। साथ में ये कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल कर दीजिएगा, ठीक है आपने, बल्कि ये एग्जांपल करनी है लास्ट में, अपने पास भी एग्जांपल कर सकते हैं। अब देखें इस एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो मेन फंक्शन में एक फंक्शन बनाया गया फन, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है फन फंक्शन की। फंक्शन में वैल्यू आर्गुमेंट पास किया गया, ये जो वैल्यू ये आर्गुमेंट है 2.5, तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए पैरामीटर इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पर ए ने रिसीव की है वैल्यू 2.5, तो यहाँ पर ए की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, तो ए की वैल्यू अब डिस्प्ले होनी है 2। हालांकि आपने 2.5 पास किया, तो यहाँ पर 2.5 नहीं आउटपुट में आना बल्कि 2 वैल्यू आनी है। वजह क्या है, क्योंकि इधर ये फ्लोट टाइप है, तो इधर आप इंट यूज कर रहे हैं, तो इंट में जो भी वैरिएबल होते हैं वो पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू को लेते हैं। तो आप नीचे देख भी सकते हैं, द प्रोग्राम विल डिस्प्ले द वैल्यू 2 इंस्टेड ऑफ 2.5, कि वो 2.5 की बजाय 2 को डिस्प्ले करेगा। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। ये लाजमी आपने क्वेश्चन इधर से कर लेना, ठीक है, मेरी आपको पीछे से मुश्किल से मिले, लेकिन आपने इधर से ये कर लेना। नंबर 4 वाला क्वेश्चन भी आई होप आपको पहले जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस, फंक्शंस को यूज करने के एडवांटेज क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं वो बताएं, एडवांटेजेस। तो बेनिफिट्स ऑफ जो फंक्शन वाला टॉपिक है उसमें से आप कर लें, बेनिफिट्स को ही आप एडवांटेजेस कह सकते हैं या यूजेस ऑफ फंक्शंस कह सकते हैं, तो आप उधर से कर लें वो भी ठीक है। वहां पर 4-5 जितनी भी हेडिंग्स हैं, अगर लेट से अगर फर्ज करें अगर 4 हेडिंग्स हैं, तो आप 4 हेडिंग्स के नाम लिखें, किसी 2 को डिफाइन कर दें। अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो नाम 4 के लिखें, आप डिफाइन किसी 2 को कर दें। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिटर्न कीवर्ड, ये भी पहले पढ़ा हुआ है, तो रिटर्न वैल्यू या रिटर्न कीवर्ड जो भी है, तो रिटर्न कीवर्ड के बारे में आपने बताना है ना सर, तो रिटर्न वैल्यू वाला आप इधर लिख सकते हैं। तो अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बताना है रिटर्न के बारे में कि ये रिटर्न कीवर्ड करता क्या है। तो आप इधर से कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर से कर लें, उधर से कर लें तो कोई, उधर से भी कोई मसला नहीं है। तो ये था हमारा बेस्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपने, कि आपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, ये जो कोड सेगमेंट दिया हुआ है ये कोड सेगमेंट में से एरर निकालना क्या है। नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, देखिए इस कोड सेगमेंट में क्या एरर है, द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन शुड बी इंट। अब ये रिटर्न वैल्यू कौन सी हो रही है, ए प्लस बी। देखें ए में कोई इंटीजर वैल्यू होगी, बी में भी कोई इंटीजर वैल्यू होगी, अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो आंसर भी कोई इंटीजर आएगा, तो वो आंसर रिटर्न हो रहा है, तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी कोई इंटीजर होनी चाहिए थी। वॉइड तो तब होता है जब फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न ना हो रहा हो, तो इस सेगमेंट कोड में या इस फंक्शन में जो एरर है वो ये है कि हमने रिटर्न टाइप फंक्शन की जो इधर यूज कर रहे हैं वो है void। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए int। आई होप क्लियर होगा। इसी तरह से ये प्रोग्राम
कोड सेगमेंट दिए हुए हैं, आपने एरर्स को फाइंड करना है। अगर आप आंसर इस तरह से लिखना चाहते हैं ये भी तरीका ठीक है। आई सजेस्ट कि आप एक साइड पर ये लिखें और सेंटर में लाइन लगाएं और एक साइड पर इसको करेक्ट करके लिखें और नीचे इस तरह से भी करके लिखें, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मैं ये समझता हूँ कि आपको कोड को करेक्ट करना भी आता है और आपको पता है कि कहाँ पर एरर है, ठीक है। तो एक मरतबा इसको ऐसे लिख दें, सेंटर में लाइन लगाएं, इस साइड पर इसको करेक्ट करके लिख दें, अगर इस साइड पर जगह नहीं है तो आप इसको वैसे का वैसा लिखें, नीचे से करेक्ट आउटपुट हेडिंग दे के लिखें और नीचे एंड पर ये भी लिखें कि या कि किस लाइन पर कौन सी गलती है और वहाँ पर किसकी बजाय क्या होना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर जिस तरह वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर वर्ड की बजाय इंट होना चाहिए था, तो आप इस तरह से मैंशन करके बता सकते हैं। तो इस तरह से वन बाय वन सारे पार्ट करें आप क्वेश्चन नंबर 5 में। इधर सॉल्यूशन तो साथ साथ दिया ही हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा आप खुद करें, टेक्स्ट बुक से भी आप कर सकते हैं, ये आईटी सीरीज में सॉल्यूशन भी साथ साथ दिया होता है तो आप इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आउटपुट बताना है कोड सेगमेंट का, ये कोड सेगमेंट दिया हुआ है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये 20 है तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो आपने ये तो इसको कोड को ट्रेस करना है, जो भी आउटपुट फाइनल बनेगा स्क्रीन पर जो भी शो होगा वो आपने बता देना है। इस तरह बी वाले पार्ट का भी करें, सी और डी का भी आपने करना है, इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे कि कवर करें, तो आपको जो एक्सरसाइज का एक्सरसाइज को अच्छे से रेडी करना है आपने, ठीक है। तो खासकर इसके एमसीक्यू उसको नहीं आपने छोड़ना, और ये जो भी है इसकी एक्सरसाइज में इसको अच्छे से आपने रेडी करना है, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक के मुताबिक एक्सरसाइज है उसको अच्छे से रेडी करें, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो एक्सरसाइज ये देखें, जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के बाद में दिए होंगे, ये देखें, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से। तो आप एक्सरसाइज को ही हाली रेडी कर देना अभी तो काफ़ी है, और उससे पहले जो चैप्टर है उसको रेडी कर लें वो भी काफ़ी है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले वाले रेडी कर लेते हैं, आई होप कि आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। अगर कुछ सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।